नमस्कार मेरे बागवान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे सभी बागवान भाई देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, जो ये खेत आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप, वो लास्ट तक है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये खेत कहाँ तक है। जो ये खेत आपको नज़र आ रहा है, ये एक बंजर टाइप का खेत था, बिल्कुल ही बंजर किस्म का खेत था, और घर से थोड़ा दूर पड़ता है खेत। तो बागवान भाइयों, इसमें मैंने पिछले साल खुद की मेहनत से पॉल्टी लगाई है, सीडलिंग लगाई है। आप सभी बागवान साथी देख सकते हैं, आप ये खेत यहाँ से है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें पॉल्टी लगाई है, जो कि पिछले साल की अभी पॉल्टी है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रो में जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कलम की हुई है, पिछली साल ही कलम की है। इसमें आप देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया पैदावार इसमें निकल चुके हैं, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं अपने बागवान भाई को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये प्लांटेशन लगाई है, तो उस टाइम ये ज़मीन बिल्कुल ही बंजर थी, तो इसको मैंने उस टाइम नहीं खोदा था। इसको मैंने अभी मार्च अप्रैल महीने में इसकी खुदाई मैंने स्टार्ट की है। आप देख सकते हैं, अब इसमें मैंने राजमा उगाई है, आपको शायद दिख रहा होगा। वहाँ से देख सकते हैं आप खेत को, कितना अच्छा और कितनी अच्छी इसमें प्लांटेशन मेरी तैयार हो रही है। तो इस वीडियो को लाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप न्यू प्लांटेशन को तैयार करते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे ही आप न्यू प्लांटेशन तैयार करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका खेत है, उसको आप उसकी आपको खुदाई कर लेनी चाहिए। पहले उसकी खुदाई कीजिए, फिर उसमें आप पॉल्टी या रूट कुछ भी लगा सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं। तो मैं सभी बागवान भाई से अपना पूरा खेत बताना चाहता हूँ कि ये खेत कहाँ तक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें बीच बीच में पॉल्टी लगी है, जो कि खुदाई से पहले ये बहुत ही वीक थी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि खुदाई के बाद इसमें बहुत ही फर्क पड़ गया है। इसमें ग्रोथ काफ़ी आ चुकी है। जैसे कि मेरे बागवान भाई देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये खेत यहाँ तक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कलम हुई है, पिछले साल की कलम हुई है, और देख सकते हैं आप ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो जिस टाइम मैंने ये प्लांटेशन किया ना, तो उस टाइम ये खेत कुछ ऐसे दिखता था, ये देख सकते हैं आप इस खेत में और इस खेत में आप अंतर देख सकते हैं। जो इस वाले खेत में पॉल्टी लगी है, वो इस और इस खेत में साथ ही लगाई है। तो आपको मैं चल के बताता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप इसमें कितनी बहुत ही कम ग्रोथ है, इसमें बहुत ही कम, यहाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल ही कम। देख सकते हो इस खेत की खुदाई मैं शुरू करने ही वाला था। आप देख सकते हैं, मैंने पहले इसमें घास यहाँ तक निकाल दिया था और यहाँ तक मैं इसको खोद रहा था, तो उसके बाद मौसम कुछ ऐसे ही ख़राब हो गया,
जिसके कारणवश मैं इस खेत को नहीं खोद पाया हूँ, पर बहुत ही जल्द मैं इस खेत की खुदाई कर लूँगा। नहीं तो इस प्लांटेशन में कम से कम साल दो साल का गैप पड़ेगा। आप देख सकते हैं, परे जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये खेत कहाँ तक है। देख सकते हैं अब इसमें पॉल्टी लगी है बीच बीच में। यहाँ भी देख सकते हैं आप, वो वहाँ तक है, नाले तक। तो मेरा सभी बागवानों भाई से निवेदन रहेगा, न्यू प्लांटेशन लगाते समय हो जो मैंने बातें कही है उनका आप ध्यान रखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।